गोलीबार के बाद चतरा में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान को गोली लगी है। गंभीर हालत में घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है, जहां मेडिकल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 4 नक्सलियों को भी गोली लगी है और साथ ही ये भी जानकारी है कि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल से भाग खड़े हुए। पूरे जंगल में जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान चितरंजन को लगी गोली। गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। रांची के मेडिका में घायल जवान का चल रहा इलाज। लातेहार जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद चतरा जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान चितरंजन को गोली लगी है। गंभीर हालत में घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया, जहां मेडिका अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये जो मुठभेड़ हुई है चतरा में हुई है, और इससे पहले बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम पुलिस ने छेड़ी थी, जिसको कामयाबी मिली। बूढ़ा पहाड़ पर न सिर्फ ये कि हेलीकॉप्टर उतरा, बल्कि बूढ़ा पहाड़ अब नक्सल फ्री हो गया है। और इसी श्रेणी में चतरा गढ़वा के आसपास के नक्सलियों पर दबाव बढ़ाते हुए पुलिस ने जब नक्सलियों के खिलाफ आगे मुहिम शुरू की, तो नक्सलियों ने ताबड़तोड़ बुलेट फायरिंग कर दी और नक्सलियों की को भी जवाब दिया पुलिस ने, जिस मुठभेड़ में ये जवान घायल हुआ है। दरअसल चतरा में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190वीं बटालियन और पुलिस की प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी से मुठभेड़ हो गई। प्रतापपुर कुंदा थाना क्षेत्र के सिकित वाली जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान चितरंजन को गोली लगी है। मनोहर गंजू के दस्ते के 15 से 20 जवान जो हैं, वो प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बीर मतकुम एक जगह है और बधार के जंगल में वहाँ कैंप कर रहे हैं। यह सूचना को सत्यापित करते हुए सीआरपीएफ की एक टीम और जिला पुलिस की एक टीम वहाँ पे सर्च अभियान और उसको जो है इनकाउंटर करने के लिए वहाँ गई हुई थी। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बड़े सारे कैंप उसके वहाँ पे थे, उसको उन्होंने ध्वस्त किया। उसी क्रम में दोनों तरफ से गोलियाँ चली हैं। उस गोली में एक हमारे जो सीआरपी के जवान हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनके हिप में गोली लगी है। स्टेबल है कंडीशन, वो अभी रांची के लिए उनको हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिया है। और बहुत सारे मात्रा में वहाँ पे मिले हैं जो कैंप के सामान है, वो सारी चीज़ों को सीज कर लिया गया है और सर्च अभियान अभी चल रहा है। दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा अंदाजा लग रहा है कि उन लोगों को भी गोली लगी है। उसका भी सत्यापन कराया जा रहा है, जैसे आगे होता है उसे हम आपको बता पाएंगे। सर कितने लोग हताहत हुए हैं? सर हमारी तरफ से तो 1 लोगों को गोली लगी है और उम्मीद है कि उधर भी 3-4 लोगों को गोली लगी है, और उस चीज़ को सत्यापन अभी हम लोग करवा रहे हैं। सर्च अभियान चल रहा है, जैसे आगे होता है फिर हम बता पाएंगे। इससे पहले लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के पेशार पंचायत के केतली टोला जंगल में रविवार को पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भी दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चलाई गई। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान राइफल समेत कई तरह के सामान बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में 315 बोर की एक राइफल, 400 गोलियां, 2 मोबाइल, 4 पावर बैंक, 315 बोर की एक राइफल मैगजीन, 1 SLR की मैगजीन, कई पिट्टू, वर्दी और दवा समेत कई जरूरी सामानों को बरामद किया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज, चतरा से संजय, टंडवा से शैलेश और लातेहार से गोपी की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत, किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, चाहे हम बात चतरा की या लातेहार की करें, नक्सलियों के मंसूबे नाकामयाब हो रहे हैं, पुलिस की जो तत्परता है, जो सर्च अभियान है वो कामयाब हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदास आपने, और शायद यही कारण है कि अब जो नक्सली हैं वो बौखला गए हैं, और यही कारण है कि आज जिस तरह की घटना चतरा में हुई है, नक्सलियों ने घात लगाकर जो सबसे पहले पुलिस के जवान हैं जिन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली जो हैं वो पलामू बॉर्डर के पास जो है वो मौजूद हैं, और पुलिस ने सर्च अभियान के थ्रू जो है वो जंगल में प्रवेश किया। नक्सलियों की जैसे ही नजर पड़ी, अंधाधुंध फायरिंग जो है वो पुलिस के जवानों पर नक्सलियों ने
पहले शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो करीब सैकड़ों राउंड गोलियां चलाई। फिलहाल जो जानकारी है कि करीब 4 नक्सली इस पूरे जो गोलीबारी है उसमें घायल हुए हैं, और 4 नक्सली घायल होने के बाद फिलहाल जो है वो फरार हो गए हैं। अभी मुठभेड़ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और फिलहाल पुलिस अभी सर्च अभियान चला रही है, यानी कि खोज रही है कि आखिर उस जंगल में कोई भी एक नक्सली मौजूद तो नहीं है। तो कायराना पूर्वक एक बार फिर घटने को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, और इस पूरे नक्सली जो मुठभेड़ है उसमें एक जवान भी शहीद हुए हैं जिनका नाम चितरंजन बताया जा रहा है। घायल जवान को रांची लाया गया एयरपोर्ट रांची हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और खेलगांव में जो हेलीपैड बनाया गया है वहीं लाया गया था, और एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से घायल जवान को जो हेलीपैड है वहां से मेडिका अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल जवान की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेडिका अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो लगातार बेहतर इलाज कर रहे हैं। जो सूचना मिली है कि घायल जवान चितरंजन के पैर और कमर में गोली लगी है। राजदा जी, अब जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई, पुलिस और चाहे जेजेएमपी के उग्रवादी हो या नक्सली, उनके बीच मुठभेड़ हुई है, और सबसे अच्छी बात यह रही कि अब बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कर दिया गया। डीजीपी खुद पहुंचे थे वहां पर, जहां पर शाबाशी दी, उन्होंने सम्मानित किया पुलिस कर्मियों को और साथ ही पिकेट पर तिरंगा भी फहराया। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने, यही कारण है कि नक्सली बौखला गए हैं। इन दिनों जिस तरह से पुलिस लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर अभियान चला रही है, यही कारण है कि चतरा में जो घटना घटी आज के ही दिन, बूढ़ा पहाड़, आपको पता है राजदा कि वही बूढ़ा पहाड़ झारखंड में, जहां एक तरफ पूरी तरह से नक्सल लगभग समाप्त होने पर है, लेकिन बूढ़ा पहाड़ अभी भी नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि पुलिस ने साहस दिखाते हुए उस बूढ़ा पहाड़ पर हेलीपैड बनाया है, पुलिस जवानों की तैनाती की गई है ताकि नक्सलियों को वहां से खदेड़ा जाए। और शायद इसी का एक रिएक्शन जो है वो चतरा में देखने को मिला कि चतरा और पलामू के बॉर्डर पर जो जंगल पड़ता है, जहां नक्सली पहले से घात लगाए बैठे हुए थे, कि जैसे ही सर्च अभियान के दौरान पुलिस के जवान सीआरपीएफ के जवान पहुंचेंगे उन्हें अपना निशाना बनाया जाएगा। दरअसल नक्सलियों के होने की जो सूचना है वो चतरा पुलिस के कप्तान राकेश रंजन को मिली थी, और उनके निर्देश के बाद प्रतापपुर और कुंद्रा थाना के साथ सीआरपीएफ के जवानों को जंगल भेजा गया था सर्च अभियान के लिए, और उसी सर्च अभियान में पुलिस और नक्सलियों के द्वारा गोलीबारी की जाती है। सबसे पहले गोलीबारी की घटना की जो शुरुआत है वो जंगल में छुपे हुए जो कायर नक्सली हैं वो पुलिस पर हमला करते हैं, सैकड़ों हजारों राउंड गोलियां चलाते हैं, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस और सीआरपीएफ की जवान उन नक्सलियों को जो है वो खदेड़ने का काम करती है। 4 नक्सलियों को गोली लगा है। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों जो नक्सली है वो नक्सली सप्ताह मना रहे हैं, 21 सितंबर तक जो है वो नक्सली सप्ताह मनाया जाएगा, और पुलिस इसी नक्सली सप्ताह को खत्म करना चाहती है। और यही कारण है कि चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या आज जो सर्च अभियान चलाया गया जिस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, पूरे झारखंड में पुलिस यह चाहती है कि नक्सलियों का सफाया कर दिया जाए, और जो कुछ बचे हुए नक्सली हैं वो समय समय पर अपना फन उठाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और उसी का घटना आज चतरा में देखने को मिला। लेकिन पुलिस बल के लोगों ने साहसी होने का परिचय दिया, डट कर मुकाबला किया नक्सलियों को, और नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाब रहे। चलिए सत्यव्रत, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि चतरा से सहयोगी संजय भी हमारे साथ बन गए हैं, तो जरा अपडेट उनसे ले लेते कि अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है। अब संजय, आज जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, सीआरपीएफ के एक जवान को गोली भी लगी है, उन्हें रांची भी लाया गया, उनका इलाज चल रहा है अमेरिका में, अभी की ताजा अपडेट वहां पर बताया, क्या सर्च अभियान अभी भी वहां पर जारी है? चतरा में आज नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ था, उसमें एक जवान गंभीर हो गए थे, जिनको इलाज करने के लिए उन्हें रांची मेडिका भेजा गया था, और जो नक्सली और
पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुआ था उसमें जो है अब जो एसडीपीओ का अविनाश कुमार का कहना है कि नक्सली और उसमें मुठभेड़ में जिस तरह से मुठभेड़ हुआ था उसमें आप सर्च अभियान चलाया जा रहा, सर्च अभियान चलाने को लेकर के जो है वो पुलिस जो है अब चतरा एसपी जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें सीआरपीएफ के जवान भी हैं और एसडीपीओ भी उस टीम में शामिल है और पूरे तरह से पूरा घेराबंदी किया गया है और उसमें जो नक्सली के द्वारा जो उपयोग में सामान आया लेकर के आए थे उसे पुलिस ने बरामद किया है। उसके अलावा जो पूरी तरह से चतरा जिला में सील कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नक्सली चतरा में फिर से पांव पसार रहा और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चतरा में आ रहे हैं, जिसके चलते जो है यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद है, जाहिर तौर पर नक्सलियों में बौखलाहट भी देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है पुलिस। पुलिस जो चतरा एसपी हैं राकेश रंजन, उनके द्वारा जो है अभी इस तरह से पोस्टर का अभियान चलाया जाए या अपराधी के या मान के नक्सली के विरोध में उन्होंने कमर कस चुका कि चतरा से नक्सली का सफाया कर दिया और इसी के लेकर के जो जवान का मनोबल है काफी उत्साह है और उसको लेकर के जो है सीआरपी के जवान थे और नक्सली में मुठभेड़ हुआ है, लेकिन जैसे ही नक्सली द्वारा गोली चलाई इसकी जवाबी फायरिंग करते हुए सीआरपी के जवान भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसको लेकर के जंगल का लाभ उठा कर नक्सली दो चार उनको भागने पर मजबूर कर दिए गए हैं और अभी जो एसडीपीओ कहे हैं कि उसमें से तीन चार नक्सली को गोली भी लगी है, वो भी जो है अभी इलाके में है और वो सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस ने किसी तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई जानकारी दी है कि नक्सलियों को गोली लगी है, अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, पुलिस ने कोई जानकारी दी? जगह पर नक्सली द्वारा मुठभेड़ हुआ उसी जगह पर अभी हम हैं और इस जगह पर जो है पुलिस जो है अभी पूरा सील कर रही है और घेराबंदी करके अभियान चला रही है और एसडीपीओ का कहना साफ तौर पर था कि दोनों तरफ से जो गोली चली थी उसमें मेरा एक जवान घायल हुए, लेकिन नक्सली के द्वारा उसमें से चार नक्सली भी घायल हुए जिनको उन लोग जो है खोजबीन कर रहे हैं और पूरी तरह से अभी इलाका जो है झारखंड बिहार का बॉर्डर इलाका पड़ता पूरा सील कर दिया गया है। चलिए सत्यव्रत, अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, जो घायल हुए हैं नक्सली उन्हें ढूंढा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर पुलिस ने कमर कस ली है कि कैसे नक्सलवाद मुक्त हो हमारा झारखंड, उस पर लगातार पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ के जवान हो सभी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि जो भगौरे नक्सली हैं वो पीठ दिखाकर भाग चुके हैं, लेकिन चूंकि सर्च अभियान अभी भी जारी है, हो सकता है कि जो घायल नक्सली हैं वो अभी भी उसी जंगल या आसपास के जो गांव हैं वहां छुपे हो सकते हैं, तो फिलहाल अभी भी पुलिस जो है वो सर्च अभियान चला रही है, हो सकता है कि देर रात यानी कि या फिर पूरी रात जो है वो सर्च अभियान चल सकती है। फिलहाल मैं आपको बताऊं राजदा कि पुलिस को जो है वो दो बड़े नक्सलियों की तलाश है, क्योंकि इन दोनों नक्सलियों को पहले भी जो है उस इलाके में देखा गया था और उसके बाद से लगातार पुलिस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया है जिसमें कई थाने के लोगों को लगाया गया है, उसकी तैनाती की जो है वो खोजबीन की जा रही है। जो बड़े नक्सली हैं जो रीजनल कमेटी के सदस्य हैं अरविंद भुइया और सब जोनल कमांडर मनोहर गंजू, इन दोनों दस्ते के साथ जो है वो पुलिस की जो है वो मुठभेड़ हुई थी, जिस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो घायल हुआ है, जिसका फिलहाल बेहतर इलाज जो है वो मेडिका अस्पताल में चल रहा है, उसके पैर और कमर में गोलियां लगी हैं, डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, किसी चिंता की कोई बात नहीं है, जल्द ही वो जवान स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जवान घायल हुआ है चितरंजन, उसने काफी बहादुरी का परिचय दिया है, जिस तरह से जंगल में घुसकर नक्सलियों पर गोलियां चलाई है,
जवाबी गोलियां जो है उसे नक्सलियों के द्वारा लगी है। फिलहाल इस पूरे घटना में जो है वो 4 नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिली है और इसी घायल नक्सलियों को फिलहाल जो है वो सर्च अभियान के तहत खोजा जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं पुलिस की, जिस तरह से लगातार हाल के दिनों में नक्सलियों पर काबू पाने के लिए और बेखौफ नक्सलियों के इरादों को तोड़ने में जो पुलिस लगी है, डीजीपी खुद जो है वो आज बूढ़ा पहाड़ पहुंचे थे, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बूढ़ा पहाड़ पर डीजीपी ने फहराया, साथ ही वहां पर जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें बताया कि कैसे इन नक्सलियों से लड़ना है और कैसे अपने राज्य झारखंड को नक्सल मुक्त बनाना है। तो फिलहाल पुलिस जो है वो काफी तत्पर दिख रही है, जगह जगह पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, जंगलों में आपको पुलिस के जवान सीआरपीएफ के जवान मिल जाएंगे और ऐसे जो नक्सली हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो फिलहाल अब चतरा में जो नक्सली मौजूद थे जिन्होंने कायराना पूर्वक हमला किया, पुलिस पर कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई, फिलहाल वो नक्सली अब भाग चुके हैं, लेकिन कुछ घायल नक्सली होने की जो सूचना है वो है और यही कारण है कि सीआरपीएफ और पुलिस की जवान अभी भी पलामू और चतरा के उस सीमावर्ती जंगल में मौजूद है और सर्च अभियान चला रही है, जो सर्च अभियान देर रात तक चलने वाली है। राजदा संजय, अब चतरा में भले ही आज दहशत का माहौल है लेकिन आने वाले वक्त के लिए ये बेहद जरूरी था कि नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उन्हें नाकामयाब किया जाए, उनका खात्मा किया जाए, क्योंकि विकास के लिए सबसे बड़े अवरोधक है और इन्हें मिटाना बेहद जरूरी है और अब पुलिस इसमें, सीआरपीएफ के जवान इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। देखिए मैं बता दूं कि जो सरकार हो, सरकार चाहती है कि नक्सली जो है मुख्यधारा से जुड़े और कई बार चतरा एसपी ने ये बात भी बताया है कि जो नक्सली अपने घर परिवार छोड़ करके जो गलत रास्ते पर गए, जो हथियार उठाए, हथियार से कुछ विकास नहीं हो सकता है, बल्कि अगर विकास करना है तो समाज के वो भी एक अंग है, वो समाज के साथ कंधे में कंधा मिला करके वो समाज का सेवा कर सकते हैं। नक्सली द्वारा जो बंदूक उठाया गया उससे विकास नहीं हो सकता है और ये चीज नक्सली को भी समझना चाहिए कि सरकार के द्वारा जिस तरह से ये चीज का कहा जा रहा है कि आप आइए बंदूक छोड़िए और कंधा में कंधा मिला करके समाज का सहयोग कीजिए, लेकिन नक्सली, कई नक्सली तो इस बात से आकर के समर्पण भी किया है लेकिन कुछ नक्सली इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त में नक्सली को यह समझना होगा कि हथियार के बल पर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको समाज के साथ मिलकर के और तभी समाज का विकास हो सकता है। लेकिन आज हमने कई नक्सली के घर भी जाते हैं और उनको इतना दिक्कत होता है उनके, जब नक्सली मुठभेड़, पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ में जब उनके परिवार मारे गए हैं उसके बाद आज उनके बच्चे जो है दाने दाने के लिए मोहताज है, लेकिन यही सरकार जो है, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनके घर तक अनाज पहुंचाते हैं, उन्हें सेवा कर रहे हैं। तो नक्सली को भी ये चीज समझना चाहिए कि पुलिस जब हमारे लिए हमदर्दी साबित कर रही है तो पुलिस के साथ भी मिल करके और समाज के साथ मिल करके समाज का एक नया विकास उत्थान करें। बिल्कुल संजय, पुलिस ने सरकार ने कई ऐसी योजना भी बनाई है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके और लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर किया जा सके जिन्हें नक्सली बनाने के लिए उनके घरों से उठा लिया जाता है। तो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कई योजनाएं हैं जिसका सहारा वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नक्सली है जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस की कार्रवाई में मारे भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय और सत्यव्रत, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो आज ना सिर्फ चतरा में बल्कि लातेहार में भी पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें एक जवान घायल हुआ है, बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के मेडिकल में भर्ती कराया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।